अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एन उर्दू लिटरेचर पर। आज की ये वीडियो टीटी एग्ज़ाम PYQ क्वेश्चंस पर बना मबनी है, तो आइए शुरू करते हैं। रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं, ये क्वेश्चंस है। इसमें 2, 8, 6, 4, तो इसका सही आंसर है 4। दर्ज ज़ैल में से कौन से शायर मोमिन के हम असर थे, हम असर मीन्स उनके ज़माने में, एक ही ज़माने में हो। गालिब, अल्लामा इक़बाल, फ़िराक़ गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, तो इसका सही आंसर है गालिब। इसका सही आंसर है गालिब। आगे बढ़ते हैं। दर्ज ज़ैल में से कौन सा मुतबादिल फ़ेल मुरक्कब की मिसाल है, तो इसका आंसर होगा निकल आया फ़ेल मुतबादिल, फेले मुरक्कब हैं। इसके बाद थोड़ा सा ज़ूम करते हैं। जवाज आरिस मरहून हसब वाला अल्फाज किस तरतीब में लिखे गए हैं, इसका आंसर है लुगवी तरतीब, यानी लुगत से है, पहले जीम आया फिर आइन फिर मीम, इस हिसाब से ये लुगवी तरतीब में लिखे हुए हैं। आगे क्वेश्चन से वो किताब ज़रा उठा लाओ, इसमें ये बताना है किस चीज़ के तरफ इशारा किया गया है, वो किताब उठा लाओ, तो इसका सही आंसर है ज़मीर इशारा। जवाज आरिज और मरहू, ये फिर से रिपीट हो गया। इसके बाद है ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़ायद फेल हो और इस फेल का फ़िक्रा मायने मुकम्मल करने के लिए दूसरे फेल के फ़िक्रे का मोहताज हो, उसे क्या कहते हैं, ऐसे जुमले को मखलूत कहा जाता है, ऐसे जुमले को क्या कहा जाता है, मखलूत। आगे चलते हैं। खुदबात हमीदिया के मुसन्निफ कौन हैं, खुदबात हमीदिया हैं ये सर सैयद अहमद ख़ान के। उसके बाद है दो या दो से ज़ायद अल्फाज का वो जुमला जिसके लगवी माने के बजाय मजाजी या गैर हकीकी माना खातिर मिलाए जाए, इसे वो जुमला क्या कहलाता है, जुमला कहलाता है महावेरा। के बाद हम चलेंगे आगे। दफ्तर की जमा है दफातिर, वैसे ही मकबरे की जमा क्या होगी, तो मकबरे की जमा होगी हमारी मकाबीर। ये थोड़ा सा देखने में थोड़ी दिक्कत होगी इस शेर में, हर रंग में राजी व रजा हो तो मज़ा देख। उसके बाद है दुनिया में बैठे हुए जन्नत के फिजा देख, तो इसमें इसमें बताना है हमें खुद कशीदा लफ्ज़ पर क्या है, रदीफ है काफिया है क्या है, तो इसका है रदीफ़। इसके बाद है असदुल्ला खान गालिब से ताल्लुक़ रखने वाले कौन से मुतबादिल हैं, ना असदुल्ला खान गालिब का ताल्लुक किससे था, तो इसका आंसर है जदीद मकतूब निगारी के बानी हैं असदुल्ला खान गालिब।
आगे चलते हैं। मुनाजात किसे कहते हैं? उसमें मुनाजात किसे कहा जाता है, जैसे जिसमें अल्लाह ताला के हमद के साथ दुआ भी मांगी जाए, हमद भी हो और दुआ भी मांगी जाए, उसे मुनाजात कहते हैं। जिस सवाल करने वाले को साइल कहते हैं, जिसे सवाल किया जाए उसे क्या कहते हैं कहेंगे, तो इसका है आंसर, इसका आंसर है मसूल। आगे है ये दर्ज ज़ैल में कौन सा मुतबादिल इस्म कैफियत की शनाख्त करता है, जिसमें इस्म की कैफियत बयान की जाए उसे क्या कहेंगे, तो इस्म की कैफियत बताने वाले वर्ड्स ये इसमें है ईमानदारी। आगे चलते हैं। जिस फेल से ठीक ठीक पता चले कि वो ज़माने हाल का है या मुस्तकबिल का है, वो क्या कहलाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चंस दूसरे पेपर में पूछा गया, ऐसे मुजार कहते हैं जिसे पता ना चले कि वह हाल में है या मुस्तकबिल में, तो ऐसे ज़माने को हम ऐसे फेल को हम कहेंगे मुजार। उसके बाद है ऐसा फेल जो अपने फाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाज़े कर दिए, उसे क्या कहते हैं, फेल लाजमी। इसका आंसर होगा फेल लाजमी। ओके, उसके बाद है दो बच्चे चंद बच्चों पर भारी थे। अब इसमें खत कशीदा लफ्ज़ की मिसाल बताना है, तो इसमें दो पर खत कशीदा लफ्ज़ है ये, इसमें बताएंगे, इसमें बताए हुआ है सिफत अददी, इन दो अदद से ज़ाहिर हो रहा है इसे सिफत अददी है। हम 5,000 रुपये खर्च कर चुके थे। यहाँ पे खत कशीदा लफ्ज़ पर की मिसाल है, माजी बैत की मिसाल होगी। आगे चलते हैं। अर्श हो या अर्श, हस्ती हो आदम हो, कुछ भी हो, तुम जहाँ मिल जाओगे मेरा वतन वही हो जाएगा, तो इसमें किस सनद का इस्तेमाल किया गया है, आज जैसे अर्श और फर्श, ये है सनद तजाद। सीरतुन आयशा किसकी तसनीफ है, ये तो सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ है सीरतुन आयशा। इसमें 10 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस पैसेज के आते और 5 नज़म के, बाकी ये सारे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।